आलिया, ए आलिया उठ जा, दिन चढ़ गया है। आलिया उठ जा ना, रात को भी जल्दी सो गई थी, ए क्या हो गया है? ए आलिया, ए तुझे इतना तेज बुखार हो रहा, क्या हो गया मेरी बच्ची? ए अम्मा, अम्मा बच्चलन गई अम्मा। ए क्या वलफल बक रही है, खुदा ना खास्ता तू क्यों होने लग गई बच्चलन? जिसने तुझे कहा उसका पूरा खानदान होगा बच्चलन। ए उठ जा, है ए उठ जा, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊं। मैं ठीक हूं, नहीं जाना। उठ जल्दी से तैयार हो जा, है उठ, मैं बुरका लेकर आती हूं। ला मेरी बच्ची। आपा, आलिया का बुखार जल्दी उतर जाएगा, फिक्र ना करें। मैं बहुत परेशान थी, मैं अब पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया, कुछ साया तो नहीं हो गया उसके ऊपर? अरे नहीं नहीं आप परेशान नहीं हो, बुखार जल्दी उतर जाएगा, मामूली बुखार है। और आलिया घर जाके आराम करो और ये दवाइयाँ ले लेना, और आपा इसे खाने में दलिया बना दें। बना शुक्रिया। अल्लाह देख, तूने अपनी क्या हालत बना ली और किसके काम में बनाई है, जिसके काम में जो भी नहीं रही। हाँ तो दाई मियां, क्या फैसला किया? शेख साहब पहले ये चाय तो लीजिए आप। हाँ चाय तो मैं पी लूंगा, तुम ये बताओ कि फैसला क्या किया तुमने? ये ले शेख साहब, वो थोड़ी मोहलत और मिल जाती ना तो। देखो मेरे बस में होता तो मैं मोहलत दे देता, मगर मेरी बेटी की शादी का मामला है और तुम जानते हो लड़की वालों की मजबूरियां। अब या तो कर्जा लौटा दो या मैं गिरवी रखी दुकान का किसी से सौदा वौदा करता हूँ। नहीं आपकी मजबूरी भी बजाए, मगर बस ये अगर मगर छोड़ो, मेरी परेशानी समझो। मैं तुम्हें बेरोजगार नहीं करना चाहता, मगर मेरी अपनी खुद की गर्दन शिकंजे में फंसी हुई है। मैं तुम्हें सालों वक्त देता रहा मगर अब नहीं दे सकता। या तो कर्जा लौटा दो या फिर दुकान की चाबियां मेरे हवाले कर दो। अच्छा ठीक है शेख साहब, आप मुझे दो दिन का वक्त दें, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा ठीक है फिर दो दिन, लेकिन याद रखना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह हाफिज। जाहिद भाई कुछ पता चला आपको? नहीं क्या हुआ? वो विक्की भाई है ना, उनका मोबाइल कल रात को किसी ने छीन लिया। पहले तो कभी हमारे मोहल्ले में ऐसा हुआ नहीं, अल्लाह रहम करे बस। अब आए खाना खाते? हाँ चलो आता हूँ। आराम से लेटे बिस्तर लेटो। मगर अम्मा क्या ये माजा भी नहीं है ना इधर, तो इतना शर्मा क्यों रही है, लेट जा। इनके शोहर भी तो है ना, वो आएंगे तो। मेरे शोहर यहाँ नहीं रहते। जब से माजबीन का निकाह हुआ है ना, ये ज्यादा उदास और अकेली हो गई है। तो ऐसे करके तो यहाँ पे ना कोई दो तीन चार दिन रह ले है। ये घर पे तेरा कौन ख्याल रखेगा? मैं तो काम की वजह से गली गली फिरती रहती हूँ। ऐ माजबीन यहाँ ख्याल रखेगी? दो तीन दिन? अजीब बात है अम्मा, पहले तो आप इधर एक दिन में नहीं रुकने देती थी। माजबीन जी ये कहती थी कि लोग सोचेंगे हम भूखे हैं, आपके आसाइश होंगे। ये देखो कैसे माँ के सामने तेज तेज बीमारी में भी जबान चल रही है इस लड़की की। हाँ आलिया वो तो पहले तेरी तबीयत भी इतनी कभी ख़राब नहीं हुई थी, ऐसी हालत भी नहीं हुई थी ना। माजबीन के पास रहेगी, ठीक हो जाएगी, ख्याल रखेगी, है ना माजबीन? समझाओ ना इसे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगी। लेट जा ले आराम से लेट जा। अब देखती हूँ कैसे बुलाती है जायद को यहाँ पे माजबीन।